नमस्ते। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए पृथ्वी की महिमा और मानव जाति के विकास का ज्ञान लाने में समर्पित हैं। इस चैनल का हमारा उद्देश्य सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल, अनसुने लेकिन महत्वपूर्ण स्थान, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय उद्यान और लोगों को हमारे सुंदर ग्रह के प्राचीन इतिहास के बारे में जागरूक कराना है। आज हम कोरोना वायरस महामारी की नवीनतम जानकारी और पृथ्वी की अद्भुत उपचार प्रक्रिया को लाने में समर्पित हैं। जो विनाश के बाद आवश्यक रूप से नष्ट हो गई थी, वो जल्द ही जीवित हो उठी है। बात में यह केवल समय की बात है जब पृथ्वी अंततः अपने लिए वापस लड़ेगी। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या यह मानव जाति का अंत है? प्रश्न अब हम पर निर्भर करता है। जबकि हम एक वैश्विक महामारी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए 1 लाख से अधिक जीवन और गिनती का दावा किया, कोरोना वायरस ने दैनिक जीवन में एक बड़ा तोल लिया है, जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। लेकिन इस खंड में हम सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करते हैं और कुछ महीनों में पृथ्वी कितनी निखर उठी है, आइए देखते हैं। एक बेहतर दृश्य। उत्तरी भारत में नागरिक अपने जीवन में पहली बार हिमालय पर्वत श्रृंखला का दृश्य देख रहे हैं। यह देश के मेगा लॉकडाउन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में गिरावट के कारण है। उत्तरी पंजाब के कुछ शहरों में रहने वाले नागरिकों ने छतों से शानदार हिमालय पर्वत की चोटियों को देखना शुरू कर दिया है, जो 30 वर्षों से प्रदूषण के कारण छिपे हुए थे। सामान्य रूप से दुनिया में हर जगह प्रदूषण कम हुआ है, यह कहा जा सकता है क्योंकि हानिकारक पदार्थों की रिहाई में भारी कमी आई है। 2. एक बेहतर वायु गुणवत्ता। कण कण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यूके भर में कई जगहों पर पहचान की गई है। लंदन और यूरोप के कई अन्य प्रमुख शहरों के साथ सभी हवा में हानिकारक पदार्थों की उल्लेखनीय कमी दर्ज करते हैं। हानिकारक गैसों की यह कमी पेरिस, मैड्रिड और मिलान में दर्ज की गई है। दशकों के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता कारखानों और वाहनों द्वारा जारी हानिकारक गैस की कटौती के कारण एक सांस की स्थिति में बढ़ गई है। चीन में जहां कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति हुई, कार्बन उत्सर्जन में लगभग 25% की गिरावट आई है। 3. दुनिया की ओजोन परत की हीलिंग। CFC की धरती जैसे हानिकारक गैसों के कारण कई जगहों पर बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और आज यह ठीक होती नजर आ रही है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को रोकती है, जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और पर्यावरण और वन्य जीवन के लिए कई हानिकारक बदलाव ला सकती है। 4. साफ पानी। वेनिस, इटली जैसी कई जगहों पर पानी की गुणवत्ता में सुधार के कारण पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलमार्ग में गिरावट के साथ जल यातायात में गिरावट होती है। क्योंकि नहर में कदम रखने वाली नौकाओं ने पानी को ताजा बना दिया है और जीवन के साथ खिल उठी है। भारत की गंगा नदी हरिद्वार और वाराणसी शहरों में बहुत साफ है और अधिकांश मछलियां पहले की तरह बढ़ने लगी है। कई वर्षों के बाद कई स्थानों पर गंगा जल को पीने योग्य के रूप में दर्ज किया गया है। 5.
जंगली जीवन के लिए एक मौका। वन और उसके जंगली जीवन मनुष्य से मुक्ति की स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। कई लुप्तप्राय प्रजातियों को अब अस्तित्व में मौका मिल रहा है। वन्य जीवों ने भी दुनिया भर में वृद्धि हासिल की है और कई जानवरों ने मानव बस्तियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जीवित रहने और जीवित रहने की स्वतंत्रता का अधिकार न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि हमारी सुंदर पृथ्वी के अन्य सभी जानवरों के लिए भी। ये कुछ अद्भुत चीजें हैं जिन्होंने पृथ्वी को बनने में मदद की है, जिन्हें अच्छी तरह से आराम की जरूरत है। लॉकडाउन के बाहर आने पर हम आम जनता से आग्रह करते हैं कि वह उन जानवरों पर सतर्क रहे जो अपनी नई आजादी के कारण सड़कों पर घूम रहे हैं। आइए सुरक्षित रहे और हमारे वन्य जीवन और पर्यावरण को बचाने में मदद करें। अंत में हम इस लॉकडाउन के दिनों में गरीबों के लिए दान करने के लिए लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तालाबंदी के दिनों में भूखे जानवरों के लिए कुछ दया दिखा सकते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आखिर में हम सभी को इस महामारी से मिलकर लड़ना है। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। यह है प्राचीन एशिया।